रशीदा भी, आपको मुझे साथ नहीं लाना चाहिए। अरे मैं थोड़ी साथ लाई हूँ, वो तो बड़ी बहू ने कहा था इसलिए मैं। लेकिन बहाना तो आपने ही बनाया था। अरे हाँ भैया, मैंने सोचा इतने दिनों से तुम घर में हो और इतनी परेशान और उदास रहती हो, बाहर निकलोगी तो दिल भी बहल जाएगा। अब रुक क्यों गई हैं आप रशीदा भी, चलिए ना। दुकान वाले ने कहा था वो सारा सामान बना देगा, उमर से कहेंगे वो शाम में जाकर पिक कर ले। अरे तुम्हें क्या जल्दी है घर जाने की, कौन सा तुम्हारा इंतजार हो रहा है वहाँ पर। सारे लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए नफरतें हैं, और जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है उसको तो तुम कुछ समझती ही नहीं हो। कौन, किसकी बात कर रही हैं? अब लो, इतनी भोली भी ना बनो है? मैं जिसकी बात कर रही हूँ तुम्हें खूब अच्छी तरह पता है। खैर बिटिया, एक हफ्ते की सब्जी और कुछ सामान लेना है, इसलिए मंगल बाजार चलते हैं। आओ चलें। चलें। एमन, अरे कैसी हो? ठीक हूँ। बस रहने दो, ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब तुम्हें दिखावा लग रहा है तो और क्या, मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाती और तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई, और यहाँ आकर मुझे एक फोन तक नहीं किया। यार क्या बताऊँ, जल्दी जल्दी में कुछ याद ही नहीं रहा, और फिर जब से यहाँ आई हूँ काम इतने हैं, सोचती रहती हूँ। सुबह से सोच रही थी आज कि तुम्हें कॉल करूंगी, मगर बस वो फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया। अच्छा जी, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई तो ये हाल है, जब शादी हो जाएगी तो तुमसे तो मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। इस घर में शादी करना तो मेरा ख्वाब है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। खैर छोड़ो, आओ ना बैठते हैं बात। हंडिया चूल्हे पे रह गई, मैं वो देख के आती हूँ, तुम बैठो मैं आ रही हूँ। तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मेरा इस घर में शादी का ख्वाब जरूर पूरा होगा। आपको इंतजार है किसी का? लो भला बताओ। मैं इस उम्र में किसी का इंतजार कैसे करूंगी। तो फिर इतनी गाड़ियां जा रही हैं, रोक क्यों नहीं रही? हाँ, रोकती तो हूँ, कोई सही गाड़ी नजर ही नहीं आ रही, रोकती हूँ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून बेटा तुम यहाँ? आप लोग क्या क्या कर रहे हो? हाँ बेटा, हफ्ते भर का सामान लेना था, सौदा भी और सब्जी तरकारी भी, फल फ्रूट भी, इसलिए हम मंगल बाजार जा रहे थे। तो आइए मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, आओ आओ बेटा, हम लोग चलते हैं। रशीदा भी हम खुद चले जाएंगे। अरे बेटा कितनी गर्मी पड़ रही है, हम लोग पसीने पसीने हो जाएंगे और तुम तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगी। आजा आजा आजा। अरे बिटिया तुम आगे बैठो, तुम्हें तो पता है ना मैं आगे बैठती हूँ तो मुझे कितनी चक्कर आते हैं और उल्टी भी होने लगती है, दिल भी घबराता है, इसलिए तुम आगे बैठो 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 बैठो।
बस बस बेटा, गाड़ी यहीं रोक दो। अच्छा। रशीदा भी अगर आप चाहें तो मैं वापसी पे आप लोगों को पिक करके ड्रॉप कर सकता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बल्कि तमन्ना तुम ऐसा करो कि गाड़ी में ही बैठी रहो, मेरे साथ उतर कर कहाँ खार होगी, मुझे तो ये सब कामों की आदत है। नहीं रशीदा भी, मैं आपके साथ जाऊंगी। अरे बेटा, हारून कोई गैर थोड़ी है, बल्कि तुम ऐसा करो इस ठंडी गाड़ी में कहीं घूम आओ, ये मौका कहाँ मिलता है बाहर जाने का, मैं बस सामान लेकर आती हूँ, ठीक है? हाथ छोड़िए। हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं था। हारून मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाने। हाँ जाओगी अभी, चली गई है वो, किधर ढूंढूंगी होगा। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझे, हम वो पल कहीं साथ बैठ के गुजार सके जहां मैं तुमसे अपने दिल की बात तो कर सकूं। ये सब इतना खूबसूरत लग रहा है, काश ऐसे तोहफे रोज रोज मिलते रहे हमें। और अगर शहरयार साहब खुद हमारी ऐमन का हाथ थाम लें तो? बात तो ठीक है खालिद की, अगर ये सच हो जाए ना तो वाह भाई, हमारे तो दिन ही फिर जाए। अगर वो शहरयार साहब शादीशुदा निकले तो फिर मैं अपनी ऐमन की शादी नहीं करूंगी उनसे। अपनी बेटी को नहीं ब्याह सकती मैं किसी शादीशुदा आदमी से। क्या बात है भाई, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? नहीं कुछ नहीं, बस वो ही सोच रही थी, वो जो आपने बात की थी शहरयार साहब और ऐमन की शादी की। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम भी इस पर सोच रही हो, इसका मतलब है मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन एक मसला है। मसला? क्या मसला? अब देखे ना, वो शहरयार साहब की उम्र हमारी ऐमन से कम अज कम 15 साल तो बड़ी है। हाँ तो? तो उन्होंने कभी शादी भी की होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी ऐमन के लिए अब तक वो कुंवारे बैठे हुए थे, तो पता कराएं, पता चले शादीशुदा निकले वो, बेटी का मामला है। चलो मैं पता करवाता हूँ, लेकिन तुम ऐमन से कह दो कोई उल्टा सीधा काम नहीं करे। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं पता करवाता हूं। हैं यार ऐमन, जब तुम यहाँ आई हुई हो तो मेरी हेल्प ही कर दो, सारे काम मैं कर रही हूँ। यार बैंगन काट दो, दाल तैयार है रखे। दानिया मैं यहाँ तुम्हारे कामों में तुम्हारी हेल्प करने नहीं आई, तुम्हें हारून के करीब लाने में तुम्हारी हेल्प करने आई है, क्योंकि खुद तो तुमसे कुछ होगा नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई बात हुई हारून से? किस बारे में? अरे
वो शादी वाले ड्रामे के बारे में, तुम्हें दुल्हन बनाकर स्टेज पर बिठाकर बारात लाकर लोगों के सामने उस तमाशे के बारे में। तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने ये सब क्यों किया? नहीं, नहीं पूछा। अगर क्यों? जिन सवालात के जवाब मेरे पास पहले से मौजूद हैं, उनको हारून के सामने दोहराकर मैं अपनी वक्त मजीद कमजोर नहीं करना चाहती। ये काम कहा था, अगर नहीं करना था तो ना करो, इतनी बातें क्यों सुना रही हो? एक काम कहा था। अच्छा लाओ, छोड़ो। कर लूंगी यार, छोड़ो, हटो। क्या लोग? कुछ नहीं। सुनोगी तुम? चाय, जूस? हारून, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मना, प्लीज। तुम्हारे साथ कुछ पल अपनी यादों में समेटना चाहता हूँ। इतनी संगदिल मत बनो, प्लीज। दो ऑरेंज जूस लगेगा फ्रेश। मैम के लिए भी? हाँ, इनकी अपनी तो कोई पसंद है नहीं। ठीक है ना? मैंने जी नहीं, मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक ले आएंगे। चल, शुक्र है तुमने अपनी पसंद का इजहार तो किया। शायद एक ना एक दिन अब तुम अपनी मोहब्बत का भी इकरार कर ही लोगे। मुझे मोहब्बत नहीं है आपसे, पहले भी बहुत बार आपको बता चुकी हूँ और हर बार मेरा यही जवाब। अच्छा, इतना मान है तुम्हें अपने फैसले? जी, मान भी है, यकीन भी। कहाँ रह गए ये लोग? कितनी देर हो गई है। अरे भाभी, किसका इंतजार कर रही हैं? रशीदा और तमन्ना का। सारा राशन खत्म पड़ा था, लेने गई, अभी तक आई नहीं है। रशीदा भी तो ठीक है, लेकिन ये तमन्ना क्यों? वो भी तो साथ गई है उसके। वो क्यों गई है? अरे रशीदा कह रही थी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी हड्डियों में जान नहीं है, अकेले मैं सामान नहीं उठा सकती, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तमन्ना को भेज देती हूँ, मदद कर देगी, सामान उठा लेगी। भाभी आप भी कमाल करती हैं, उस दिन का वाकया भूल गई है जब यही तमन्ना हमारे उमर को दरगाह पे ले गई थी, वो भी इतनी रात को। धनी दरगाह पे ही लेकर गई थी कि कहां ले गई थी हमारे बच्चे को? इतना सीधा साधा है हमारा उमर, और आप ये भी भूल गई कि उस दिन भी उन दोनों के साथ यही रशीदा भी थी। ओ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे तो जहन से ही निकल गया, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैं वैसी आवाजें दे दे के उसको बुलाया और उसके साथ कर दिया। भाई मेरी तो अकल को भी कभी कभी ताले पड़ जाते हैं। अब क्या करूं? तो वैसे ही रट लगाए हुए शादी करने की। करना क्या है, फोन उठाएं और उसे मिलाएं, पूछें उससे कहां है और किसके साथ है। क्या हुआ, नहीं उठाया उसने? नेटवर्क नहीं लग रहा। अच्छा चलें, थोड़ी देर में फिर करें, बताएं मुझे। ऐसे तुम्हें क्या लगता है, यूं बार बार इनकार करके तुम अपने दिल से मेरे लिए मोहब्बत खत्म कर लो? ऐसे कहते हैं जब कोई बार बार इनकार कर रहा हो ना, दर हकीकत उनका इकरार होता है, सच्चाई को छुपा रहा होता है। थाम लो मेरा हाथ। क्या हुआ?
उमर तुम? वो मैं बाहर शॉप पे काम से आया था, तुम दोनों को देखा तो चला आया, मगर तुम दोनों यहाँ पर एक साथ? वो क्या हुआ तमन्ना, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तुम्हारी को चोरी पकड़ी गई है। उमर ऐसी कोई बात नहीं, रास्ते में जा रहा था तो मैंने रशीदा भी और तमन्ना को देखा, तो ये लोग कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे थे, सोचा इन्हें ड्रॉप कर दूं। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझा था। कुछ और? हाँ खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि रशीदा भी कहाँ पर है? वो तुम लोग कह रहे थे ना कि तुम लोगों के साथ आई थी। क्या हुआ, मैंने कोई गलत बात पूछ ली है? मगर वो मंगल बाजार गई, वहाँ पे काफी गर्मी थी तो तमन्ना को चक्कर आ गया था, सोचा उसे यहाँ ले आऊंगा, जूस वगैरह पिलाऊंगा तो तबीयत बेहतर हो जाएगी, ये तो मान नहीं रही, तो रशीदा भी ने इसको कहा कि चली जाओ साथ, तो आ गई वरना मुश्किल ही था। खैर आप तुम भी कुछ मंगवा लो अपने लिए, फिर चलते हैं, उन्हें पिक करते हैं, फिर तुम लोगों को घर छोड़ दूंगा। अरे नहीं, मेरे पास मेरे गोदाम की गाड़ी है, मैं इन दोनों को ड्रॉप कर दूंगा, तुम जाओ। चलो ठीक है, खैर मुझे वैसे भी किसी काम से जाना था। ये बिल के पैसे हैं हारून, ये पैसे वापस रख लो। यार मेरे इतने भी बुरे हालात नहीं है कि मैं तमन्ना को जूस ना पिला सकूं। उमर मुझे जूस नहीं पीना है, चलो। लाफ़स। अस्सलाम वालेकुम सबिया खाला। वालेकुम अस्सलाम ईमन। ये आपकी चाय। थैंक यू। तुम कब आई और दानिया कहाँ है? मैं अभी थोड़ी देर पहले आई खाला, वो दानिया मासी से सफाई करवा रही है। वो दानिया की मुझे कॉल आई थी, कहने लगी यहाँ अकेले। अरे दानिया ये लीजिए, दानिया भी आ गई। मैं अभी खाला से यही कह रही थी कि तुम्हारा तो मेरे बगैर दिल ही नहीं लगता, इतनी पक्की दोस्ती है हमारी, है ना दानिया? ये तो है, वाकई खाला इसके आने से मुझे बड़ा सहारा हो जाता है। अच्छा खाला, मैंने आपको बताना था कि मासी के साथ मिलके हारून का कमरा बहुत अच्छे से साफ करवा दिया, तब आप परेशान मत हुई। थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया बेटा तुमने, वरना मासियों पे घर छोड़ दो तो बेड़ा गरक ही कर देती, और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मासियों के पीछे पीछे भाग। बस मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द तुम दुल्हन बन के इस घर में आ जाओ, ताकि ये घर खुद तुम ही संभालो। खाला चाय पिए, कैसी है? मैंने अपने हाथों से बनाई है। तुमने बनाई है तो अच्छी बनाई होगी। बैठो इधर, घर में सब खैरियत है? सब ठीक है? सब ठीक। अम्मी ठीक थी? अच्छा खाला मैं मासी के साथ। हाँ वैसे तुम्हें इस छोटी गाड़ी में बैठ के बुरा तो नहीं लगा? मेरा मतलब है तुम्हें तो बड़ी गाड़ियों में बैठने की आदत है ना, और अभी हारून के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर, इस छोटी सी गाड़ी में बैठकर यकीनन बुरा तो लग रहा होगा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, गाड़ी के छोटे बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान बड़ा होता है अपने अच्छे अखलाक, अपने रवैये, अपने बर्ताव से। एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। हाँ हाँ तमन्ना बोलो, बल्कि तुम रिक्वेस्ट ना किया करो, तुम हुक्म दिया करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी किसी बात को भी इनकार नहीं कर सकता। तुम मानी से हारून के बारे में जिक्र मत करना, वरना बहुत खफा होंगे मुझसे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
अरे रशीदा भी, अस्सलाम वालेकुम रशीदा भी। अरे उमर बेटा तुम यहाँ? रशीदा भी ये सवालात घर जाए कर लेना, अभी गाड़ी में बैठो। क्या हुआ रशीदा भी, मुझे देखे इतना परेशान क्यों हो गई आप? नहीं बेटा मैं तो सोच रही थी। हाँ यही सोच रही थी ना कि तमन्ना गई तो हारून के साथ थी और आ मेरे साथ रही। बस देख ले इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और। गाड़ी में बैठे हैं। क्या हुआ भाभी, आई नहीं रशीदा भी और तमन्ना? अरे आई होती तो यही होती ना। सो तो है। तो उमर को फोन किया आपने दोबारा? बात हुई उससे? नहीं दोबारा तो मैंने नंबर नहीं मिला। अरे तो फिर उस तमन्ना के नंबर पे फोन करें ना, पूछें। हाँ तमन्ना को फोन करती हूँ। लो आ गए हैं। अरे रशीदा तुम कहाँ रह गई? सुबह की गई शाम हो गई अब लौटी हो? क्या हो गया? कुछ पूछ रही हूँ जवाब दो। कैसी बातें करती हो बड़ी बहू, हम सौदा लेने गए थे, कोई घूमने फिरने नहीं गए थे। महीने भर का सौदा था और ऊपर से फल और सामान भी लाना था, कुछ और सौदा भी था। जाहिर है इतना सामान लेते लेते देर तो होगी ना, और फिर गजब की गर्मी पड़ी थी, इतनी गर्मी में सक गए थे हम लोग, और तुम की बातें सुनाई जा रही हो। अरे लो सारी उम्र हो गई इस घर में, यही बातें सुनने को रह गई थी क्या? रशीदा रो क्यों रही हो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। इतनी देर से लौटी हो, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो जाहिर है फिक्र तो होगी ना। उमर उमर, ये उमर तुम दोनों के साथ आए? अब उमर का क्या काम है हमारे साथ? हम तो रक्षा से उतर रहे थे कि उमर का डब्बा आके रुक गया। हम अंदर आ गए और रक्षा से वो सामान उतारने लगा। चलो बेटा हम ये सामान अंदर रख ले, आ जाओ। ना हो भाभी, सफेद झूठ बोल रही है ये रशीदा भी, जानती हूँ। चलें अब आप रास्ते से हट जाएं। हेमन ये चीटिंग है? अच्छा तुम बहुत चलाक हो, अपनी गोद बचाने के लिए तुमने जानबूझकर मुझसे गलत चाल चलवाई। खेल मोहब्बत और जंग सब कुछ जायज होता है मेरी जान। पागल, मेरा ख्याल है हारून आ गए हैं। अरे तुम बैठो मैं देखती हूँ। नहीं वो असल में उन्हें खाना भी देना होगा ना मेरे। अरे तो मैं दे दूंगी ना,
तुम सुबह से किचन में घुसी हुई हो, अब मैं आई हूँ तो मुझे खिदमत का मौका भी नहीं दोगी? और फिर तुम लोग के ताल्लुकात भी तो ठीक करने हैं ना, तो तुम जब तक यहाँ बैठकर अपनी अगली गोट बचाने का सोचो, मैं हारून को खाना देकर आई। जब दिल में चाहो मिलने की तो मिलने का कोई ना कोई बहाना निकल ही आता है। यहाँ क्या करें? आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? दानिया कहाँ है? वो तो कब की सो गई। मुझे भूख नहीं है, चाय यहाँ से। कुछ और लाऊं, चाय या कॉफी? मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है। इतनी जल्दी भी क्या है हारून, हम घड़ी दो घड़ी बात तो कर सकते हैं ना। आखिर हूँ तो मैं आपकी कजन, हाँ सेकंड कजन ही सही, अगर हूँ तो सही। मुझे इस तरह की फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, चलो निकलो यहाँ से। इतनी बेरुखी मत दिखाओ हारून, क्या तुम्हें इन आंखों में अपने लिए मोहब्बत का समंदर नहीं दिखाई देता? मोहब्बत का तुम्हें हाँ, अलबत्ता बेहयाई का समंदर जरूर नजर आता है। लो यहां से, get out, चलो। मेरी बात तो सुनो। उमर बेटा, बहुत दिनों से देख रही तुमने खाना पीना छोड़ दिया। दूध लाई हूं तुम्हारे लिए, दूध पी लो। अरे नहीं अम्मी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है, दिन रात काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो। जब से तुम्हारे अब्बा गए, सारी जिम्मेदारी तुम पे आ गई है। वाले तो न जाने किन चक्रों में, काम पर कोई ध्यान ही नहीं उसका। तो, पी लो मेरे बेटा। वैसे उमर तुम आज सारे दिन कहाँ थे? आप क्यों पूछ रही हैं मुझसे? ऐसे ही पूछ रही हूँ, तुम्हें फोन किया था, फोन भी नहीं लगा। और ये रशीदा और तमन्ना तुम्हें कहाँ मिल गए? वो हमारे घर के गेट पे खड़ी हुई थी, तो मैं आया तो वो वहीं पे मिले थे मुझसे। जब तुम जानते हो तुम कुछ छुपा नहीं सकते, तो कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। एक बात याद रखना, वो लाख कोशिशें भी कर लेना, मैं तुम्हें उसके जाल में नहीं आने दूंगा। हमें उसकी कोशिश का तो पता है, मगर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मैं तमन्ना को कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वो मुझे अच्छी लगती है, मोहब्बत करता हूं मैं उससे। बेहतर ही होगा कि आप मान जाए, वरना वरना मैं हर हद पार कर जाऊंगा।
बिटिया, बात समझ में नहीं आई। तुम गई तो हारून के साथ थी और आई उमर के साथ, ये कैसे हुआ? आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपने ये सब क्यों किया। मैंने क्या किया? आप अच्छी तरह जानती हैं रशीदा भी, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे बताइए कि हारून वहाँ कैसे पहुँचा, उसे कैसे मालूम हुआ कि आप वहाँ हैं और मैं आपके साथ हूँ? मुझे नहीं पता। अब कोई नई कहानी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। बेटा, कल गली के नुक्कड़ पर हारून मिल गया था। रशीदा भी, आपके सामने है सब कुछ। तमन्ना से मोहब्बत करता हूँ और ये शादी, ये सारा जो मामला शुरू हुआ था, मैं कभी भी नहीं चाहता था। ज़बरदस्ती मुझसे करवाया गया। अम्मी मजबूर थी अपने एहसानों की वजह से जो खालू जान और खाला ने उन पर किया। मैं कभी भी नहीं ये चाहता था और मैं पहले दिन से उनसे कह रहा था कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, नहीं राजी। सीधा भी मैं तमन्ना से मोहब्बत करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सब कुछ जो दानिया के साथ हुआ मैं मानता हूँ कि बहुत गलत था, लेकिन मैं मजबूर था, बल्कि मुझे मजबूर किया गया था। मैं बार बार कहा, बार बार मैं कहता रहा अम्मी को कि प्लीज़ ऐसा मत करें, क्योंकि शादी से ना मैं खुश होती, ना दानिया खुश होती है, ना कभी तमन्ना। इसमें तमन्ना का क्या कसूर है? उसकी माँ की वजह से सब कुछ उसके साथ हो रहा है। अपनी माँ का दाग धोने के लिए मेरी मोहब्बत से इनकार कर रही है, अपनी मोहब्बत से इनकार कर रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझसे मोहब्बत करती है। शीता भी, प्लीज आप उसे किसी तरह मनाएं कि वो एक दफा मुझसे मिल ले। प्लीज रशीदा भी, आप मेरी आखिरी उम्मीद है इस मामले में। बस मुझे उसकी हालत देख ही नहीं गई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मैं अपने साथ लेती आऊं। मैंने हामी भर ली। बेटा, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसे इतना लाचार, इतना मजबूर मैंने कभी नहीं देखा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत की हामी भर लो बेटा, यूं ना ठुकराओ उसे। रशीदा भी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप मुझे मेरी जिंदगी के फैसले बताएंगे। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। सभी खैरियत जी? आप सब ठीक है, बस ऐसे ही। ये एमन यहाँ पे क्या कर रही है? आप जानती तो हैं कि हारून और दानिया को अकेले में कुछ वक्त चाहिए। मैं तो चाहती थी कि हारून दानिया से मानूस हो जाए, तो उसे शादी करने के लिए फिर मनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं कोशिश पूरी करूंगी, उसे अपनी बीमारी का बहाना किसी भी तरह मैं मना लूंगी आपा, वो मुझे यकीन है राजी हो जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो ईमन को, वो सुनती ही कहाँ है किसी की बात। और फिर इन दोनों की आपस में दोस्ती भी इतनी, मैं तो रोकती ही रह गई, लेकिन ईमन ये जा और वो जा। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। अभी वैसे भी मेरा तो अपना ही दिमाग खराब हुआ है। क्यों, अब क्या हो गया? अरे यार, वही उमर वाला किस्सा। तमन्ना से शादी करना चाहता है और रोज नया एक बखेड़ा लेके बैठ जाता है मेरे सामने। मुझे तो समझ नहीं आता मैं किस तरह जान छुड़ाऊं इस लड़की से इसकी। एक तरफ हारून की वजह से दानिया, ये दूसरी तरफ उमर और ये लड़की। ये लड़की तो जैसे मेरी जान को ही आ गई है। तो शादी कर देना उमर की। शादी? हाँ, एमन से बात तो तय है बचपन से उसकी। उमर अब एमन से शादी नहीं करना चाहता और मैं भी नहीं चाहती कि वो एमन से शादी करे। तो फिर अब इस बात का तो एक ही हल है। क्या? तमन्ना से शादी करते हैं। तमन्ना की शादी?
हाँ आपा, आप ना तमन्ना से शादी करा दें और ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दीजिए। एक तो तमन्ना से जान भी छूट जाएगी हमारी और फिर ये हारून और उमर का दोनों का ही किस्सा ख़त्म हो जाएगा, दोनों की जान छूटेगी। जाहिर है जब तमन्ना की शादी होगी तो फिर हारून क्या करेगा, उसको तो राजी होना ही पड़ेगा ना। हारून के पास कोई बहाना भी नहीं होगा दानिया से शादी ना करने का, इस तरह वो शादी के लिए राजी हो जाएगा और उमर की भी जिद पूरी हो जाएगी। बात तो तुम्हारे दिल को लगी है, लेकिन लेकिन वेकिन छोड़े आपा, बस इस काम के बारे में सोचे और इसको कर डालें फौरन। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक कह रही हो तुम, चलो सोचती हूँ उसके बारे में। अल्लाह हाफिज। ठीक। I'm not afraid to die.